हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों एवं पार्टियों में जो जयमाला के समय चलता है मिनी रसगुल्ला, जो इसे अंगूरी रसगुल्ला भी कहते हैं। तो चलिए आज वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से आप घर में बना करके किसी बर्थडे पार्टी में आप बच्चे लोग को सिक्की लगा खिला सकते हैं, तो चलिए इस रेसिपी बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट हम करते हैं। इस रेसिपी को आप लास्ट तक जरूर देखें, एक मरते जरूर ट्राई करें। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए 1 लीटर दूध। दूध आप गाय का ही इस्तेमाल करें, अगर गाय का अवेलेबल नहीं होता तो आप पैकेट का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये सुधा का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी दूध से हम बहुत सारा मिठाई आपको बना के दिखाए हैं और बहुत सारा मिठाई बना के आपको बताएंगे भी। आपके लिए ही हम थोड़ा सा बनाते हैं, हम शादी पार्टी में बहुत मात्रा में बनाते हैं, तो इसीलिए तो इस दूध को हम बर्तन में खाली करके इसको खौला लेते हैं। जब तक अच्छी तरह की उबाल आ जाए इसको हम खौला लेंगे। दूध हमारा जब तक खोले नहीं तब तक आपको इस तरह से चलाते रहना है। ये वीडियो आप देखने के बाद आप आराम से घर बैठे बड़ा या छोटा जो भी रसगुल्ला बनाना चाहें, प्रोसेस सेम ही रहता है, बस क्वांटिटी का मात्रा रहता है, बड़ा या छोटा गोटी जिस हिसाब से काटेंगे उस हिसाब से हमारा रसगुल्ला बनेगा। तो ये है हमारा अंगूरी रसगुल्ला। तो चलिए इस रेसिपी को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो दूध हमारा खोल रहा है, खोलने के बाद इसमें चीनी चढ़ाएंगे और छेना किस तरह से आराम से इजी से फाड़ना है वो भी हम बताएंगे, सब टिप बाय टिप बताएंगे आपको हम। इस तरह से जब तक हमारा दूध नहीं खोल जाए इसको हम चलाते रहेंगे। दूध जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाता है, जब तक दूध खोलने के बाद झाग आ जाता है, झाग बंद, जब तक झाग फूटेगा नहीं तब तक हमारा रसगुल्ला के लिए दूध कंप्लीट नहीं खोलता है। तो इस प्रकार से हमको खोला लेना है। तो ये हमारा दूध देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से ये खोल गया है। फूटने का मतलब ये वाल आता है, डब डब करता है, ये हमारा इस तरह से। अब इसको हम उतार देंगे, गैस को बुता देंगे और इसको हम झटपट फाड़ने के लिए इसमें करेंगे क्या, हम बहुत तरह स्टाइल में दूध फाड़ने का है। तो इसको आप लोग भी ध्यान देते होंगे कि दूध गर्म हुआ और फाड़ देना है तो इंतज़ार नहीं करना है, तो क्या करना है, तो इंतज़ार नहीं करना है। तो इसको करना है क्या है, इसको इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्मी निकाल लेंगे। लगभग इसमें इस कप से हम 2 कप पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी है, फ्रिज का नहीं है, आपका बोरिंग का पानी डाल सकते हैं। तो ये आराम से 2 कप पानी हम नॉर्मल डाल दिए हैं। अगर आपको दूध फाड़ने में इंतज़ार नहीं करना है तो पानी डालने के बाद इस तरह से हमको मिला लेना है। और आप हलवा का जो मसाला रहता है उसका पानी बना हुआ है, या आप नींबू से या सिरका से फाड़ सकते हैं। खाने वाला चम्मच से 1 चम्मच ये टैटरी हमारा मार्केट में अवेलेबल हो जाता है नींबू सत, और इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे। तो ये हमारा खौला हुआ पानी, पहले से खौला थोड़ा सा रख रखे थे उसको हम डाल देंगे, तो ये हमारा गल जाएगा। और तो ये हमारा केमिकल वाला दूध फाड़ने के लिए नींबू सत का तैयार हो गया। आप मार्केट में अवेलेबल आसान से जो सिरका मिलता है तो उससे भी फाड़ सकते हैं। तो सिरका डायरेक्ट नहीं डालना है, सिरका में थोड़ा सा पानी मिला करके, जैसे 2 चम्मच सिरका लिए तो 4 चम्मच पानी मिलाना तब उसको फाड़ना है। तो अब इसको फाड़ने के लिए हम इस बर्तन में लेंगे और इसको पहले से थोड़ा सा हम मिला लेंगे। पानी हमारा ठंडा हो चुका है सुसु में, और इस तरह से हम 1 कप पानी लिए हैं और कितना मटेरियल दिए थे वो आपको दिखा चुके हैं, पहले भी दिखा चुके हैं और अभी भी दिखाते हैं। ये हलवा का एक ट्रिक हुआ और ये शॉर्ट में बनाने का, आप आराम से कोई चीज़ को भाग दौड़ने को, ये चीज़ कहाँ है वो चीज़ कहाँ है, तो इसे अवेलेबल रखिए और आराम से इस तरह से हम दूध को फिर पानी डालने के बाद भी थोड़ा सा गर्मी निकाल लेते हैं। और इस हिसाब से हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से हम चला लेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे फिर चला लेंगे। कहीं ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा छेना खट्टा होने का समय डर लगता है। आप लोग बहुत ऐसा वीडियो हम देखते हैं कि छेना अगर टैटरी से या सिरका से फाड़ते हैं तो छेना धोते हैं, तो हम लोग छेना कभी धोते नहीं हैं, तो इसलिए पानी आराम से देंगे और फाड़ देंगे। तो ये हमारा कप वाला सारा पानी डाल दिए हैं और ये जो गिलास में हमारा एक्स्ट्रा पानी है वो लगेगा तो वो भी हम डालेंगे। तो ये हमारा गिलास वाला ये 1/2 कप पानी फिर हो गया और इसमें हम डाल के इस तरह से फाड़ेंगे। लगभग ये हमारा थोड़ा सा पानी रह गया और छेना अच्छी तरीके से फट चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा छेना
लगभग आधा घंटा इसको हम इसी प्रकार से छोड़ देंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। छेना आप देख सकते हैं एकदम आराम से हमारा कितना सॉफ्ट और अभी गर्म है, इसलिए इस तरह से हम रूम टेम्परेचर में छोड़ सकते हैं। अगर झटपट करना है तो कम से कम इसको नॉर्मली आधा घंटा इसको छोड़ना है। अगर ज़्यादा जितना देर छेना के पानी में रहेगा उतना आपका रसगुल्ला बहुत बेहतरीन बनेगा और बहुत स्वादिष्ट बनेगा, तो इस बात पे भी ध्यान देना है आपको। और इसको हम बीच बीच चलाते हैं, इस बीच हम इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो लगभग हमारा ये 1 kg दूध है, तो लगभग ये छेना 100 से 150 के बीच में रहेगा ये हमारा, मतलब 150 ग्राम के और 100 के बीच में, मतलब 125 हो 100 हो, दूध के ऊपर निर्भर करता है, जैसा दूध वैसा आपका छेना तैयार होता है। जब तक ये हमारा छेना ठंडा होगा और बीच बीच में हम 2 या 4 मिनट के बाद इस तरह से हम चला लेंगे, जो हमारा गर्म पानी का हीट होता है निकलता है, उस बीच हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो हम चाशनी कितना चीनी का तैयार करेंगे, 150 ग्राम छेना है तो कम से कम 500 ग्राम, आप 1 kg चीनी का भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें अंगूरी रसगुल्ला में चाशनी मोटा लगता है, पतला नहीं, तो लगभग हम इसमें 3 पाव चीनी इस्तेमाल करेंगे, 750 ग्राम चीनी की इस्तेमाल करेंगे, जो हम कप बताए थे इस कप से 5 से 6 कप हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। लगभग हम 600 ग्राम इसमें 600 ml पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी हमारा गर्म होगा तो चीनी हमारा जल्दी गल जाएगा, इस बात को भी ध्यान देना है कि आप बर्तन या पानी गर्म रखते हैं तो चीनी आपका जल्दी गल जाएगा। अब इसी कप से हम चीनी इस्तेमाल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा चीनी हो गया। चीनी जब तक गलेगा उस बीच हम इसमें इसको चलाते रहेंगे आराम से। हमारा जितने देर में चीनी गल रहा और छेना को उस प्रकार से चीनी चाशनी तैयार होते होते खौलाना ठंडा करना है, तो उसमें हम करेंगे क्या, ऊपर ऊपर का थोड़ा सा पानी झटपट ठंडा होने के लिए उसमें एक कपड़ा या ऐसे नॉर्मल ऊपर ऊपर थोड़ा सा पानी हम उठा लेंगे, तो थोड़ा सा पानी जब छेना का निकल जाएगा तो छेना हमारा जल्दी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार से कपड़ा दे करके कि हमारा पानी आए छेना नहीं आए, और छेना कपड़े के ऊपर हम इस तरह से जाल रख देंगे और आराम से इस तरह से हम झटपट पानी हम उठा सकते हैं। ये पानी हम आराम से उठा सकते हैं और हमारा नॉर्मल छेना ठंडा जाएगा और उस बीच हमारा चाशनी भी तैयार हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से पानी निकाल चुके हैं और हमारा आप देख सकते हैं ये चीनी गल चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध पानी देंगे इसका गंदगी साफ़ करने के लिए, जो चीनी का जो गंदगी होता है। तो गैस को हम और थोड़ा सा धीमा कर लेंगे हम, और ये हमारा दूध पानी तैयार है और इसमें हम डाल देंगे इस तरह से, और डालने के बाद इस तरह से मिला लेंगे। हमारा जो चीनी का गंदगी है धीरे धीरे बैठेगा धीमाता में और सारा गंदगी ऊपर आएगा, हम जिस तरह से चाशनी को फ्रेश साफ कर सकते हैं क्लीन एकदम। छेना कितना सा पानी हम उठा चुके हैं, इसको फिर से हम छन्नी अपने जगह पर रख लें और कपड़ा इससे हटा लेते हैं, और छेना का आप देख सकते हैं इस तरह से, और उसी कपड़ा को हम में फिर छेना छानेंगे तो इस हिसाब से, और इसको हम थोड़ा सा हाथ से हिला लेकर हाथ से या चम्मच से हिला लेंगे। ये इससे होगा क्या, आपका छेना बहुत जल्दी छानने लायक हो जाएगा सुसुम। ज़्यादा गर्म छेना नहीं छानेंगे, ज़्यादा गर्म छेना छानने से होता है क्या कि अगर चिम्मर छेना हो जाएगा तो मिठाई आपका रसगुल्ला जो होता है चिम्मर स्पंजिंग नहीं होगा, चिमरा हो जाएगा, जो आपको दिक्कत होगा। तो इस तरह से हम हमारा चाशनी भी तैयार हो जाएगा और हमारा छेना भी रेडी हो जाएगा, तो इस हिसाब से हम देख लेंगे। और तो उस बीच हम चाशनी का गंदगी दिखा सकते हैं कि हमारे चाशनी में कितना गंदगी होता है जो हम लोग खाते हैं, तो हम चाशनी का गंदगी निकाल लेंगे हम अच्छी तरीके से। देखिए इस तरह से हमारा ये चाशनी का गंदगी है सारा, चीनी का दूध पानी डालने से ऐसा साफ़ हो जाता है। इसको थोड़ा तेज कर लेंगे और खोलेंगे, जितना खोलेगा ये हमारा एक्स्ट्रा जो गंदगी है निकल जाएगा, और उस बीच हम थोड़ा सा इसमें नॉर्मल ठंडा पानी डाल सकते हैं, पानी डालने से ताकि खोलना बंद रहेगा, फिर धीरे धीरे आप खोलेगा तो और गंदगी होगा इसमें, तो पानी इस प्रकार से हम डालेंगे।
ठंडा पानी डालने के बाद फिर हमारा चाशनी खोला और ये हमारा गंदगी एक्स्ट्रा फिर ऊपर आया। इस तरह से हम सारा को फिर से छान लेंगे। तो ये हमारा चाशनी साफ़ हो चुका है और जब तक कि हमारा चाशनी रेडी हो चुका है तो इसका मतलब बंद नहीं कर देंगे, इसको धीमा तवा में खोले देंगे। खोलने से होगा कि चाशनी हमारा चिमरा होगा, खस्ता पर नहीं है, चिमरा चाशनी होगा तो रसगुल्ला बहुत बढ़िया और थोड़ा गाढ़ा भी होगा। तो चाशनी आपका रसगुल्ला जो डालने के बाद कभी कभी देखते हैं फट जाता है तो फटेगा नहीं आपका। तो उस बीच हम छेना देख कर छेना को छान लेते हैं। तो छेना हमको छानना है, एक बर्तन ले लिए, एक बर्तन में उसी कपड़ा को जिस कपड़े से हम छेना को छाने थे पानी निकाले थे उसी कपड़ा और जली को, अब छन्नी नीचे हो गया कपड़ा ऊपर हो गया, पहले कपड़ा नीचे था छन्नी ऊपर था। तो इस हिसाब से हम सारा छेना को डाल देंगे इसमें और जो भी थोड़ा बहुत छेना है इसमें नॉर्मल पानी डाल करके इसको भी हम घींच लेंगे। तो नॉर्मल पानी इस तरह से देना है और सारा को अपने हाथ के सहारे से इससे होता है कि आपका ज़रा सा भी छेना वेस्ट नहीं होता है। और इस तरह से हम कपड़े को उठा के फिर उसी बर्तन पे हम कट रख लेंगे और जो हमारा इसका एक्स्ट्रा जो छेना का पानी होगा उसको गारना कम नहीं इस तरह से करेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाएगा। जब पानी पूरा निकल जाएगा तो हम ये हमारा छेना देख सकते हैं, छेना भी थोड़ा गर्म है तो इस तरह से हाथ से फैला के छेना ठंडा भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पानी निकलने के बाद थोड़ा सा हम इसको गार लेंगे। ज़्यादा गर्म छेना नहीं गारने से होता है क्या, दूध का जो फैट होता है गर्म से गारने से निकल जाता है तो इसलिए भी नहीं गारना है। इसको एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया है, अब इस तरह से हम थोड़ा सा हाथ के सहारे गार लेंगे और गारेंगे। आपको भी बार बार कहे हैं कि जो दूध तरह पानी निकलेगा वो हम इस रसगुल्ला सिझाने में थोड़ा सा इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा रसगुल्ला अच्छी तरीके से फूलता है और झाग बरकरार रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा दूध वाला पानी एक्स्ट्रा हम सेट करके रख देते हैं और ये हमारा छेना का पानी अच्छी तरीके से गर चुका है। एक बर्तन में या किसी पाटे पे या किसी पत्थर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको छेना को हम सबको डाल देंगे और जो भी हल्का फल्का गर्म होगा उसको इस तरह से बिखार करके ठंडा कर, जो हमारा कपड़ा में लगा हुआ छेना तो उसको इस तरह से हम सारा को निकाल लेंगे, बेस्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हमारा ये निकल जाएगा। और उसको इसमें छेना धोने का कोई झंझट नहीं कि अब छेना हमारा सिरका से फारे या नींबू से फारे तो हमारा नींबू का अंश आ जाएगा, नींबू का स्वाद आ जाएगा, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमारा छेना थोड़ा सुसुम है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत पानी रहता है तो इस तरह से हम सूखा कपड़ा रख करके उसी का दूसरे पार्ट और हाथ से दब लेंगे तो हमारा जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा पानी फंसेगा नहीं। और इस तरह से हम करके हलवाई लोग को भी अगर थोड़ा सा पानी कभी रहता है तो इस तरह से करके अपना ये हलवाई का सारा ठीक है, आराम से अगर नहीं निकलता है तो पानी निकाल लिए। अब तरत्ती से हम छेना को इस तरह से हम पीस लेंगे, इससे हमारा छेना चिकना होगा। तो ये हमारा छेना कंप्लीट हो गया है। इसको रसगुल्ले बनाने के लिए मिनी रसगुल्ला, तो इसमें खाने वाला चम्मच से हम एक चम्मच सूजी इस्तेमाल करेंगे। ये देख सकते हैं सूजी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी से होगा थोड़ा जाल बनेगा और एक्स्ट्रा पानी अगर जो छेना में रहेगा हमारा वो आपका एडजस्ट कर लेगा। टेस्ट के लिए इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा इलायची पाउडर है, अब इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। इलायची मिलाने के बाद इसको हम इस तरह से हल्के हाथ से ज़्यादा मसेंगे तो फिर हमारा घी छोड़ देगा तो दिक्कत होगा, घी नहीं छोड़ाना। तो ये हमारा अब इसका छोटा छोटा रसगुल्ला तैयार करेंगे अंगूर के साइज़ का। और उस बीच हम चाशनी को देख लेते हैं। तो चाशनी हमारा खोल चुका अच्छी तरीके से, गैस बढ़ा देंगे और गैस बढ़ाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नॉर्मल पानी देंगे, लगभग 100-150 ग्राम पानी देके मिला दिए और इसको अच्छी तरह से खोलने देंगे। पानी देने के बजाय कि पतला होगा, गाढ़ा हो गया था और अच्छी तरह इसको खोलने देंगे। एक थाली ले लिए हैं हलवाई का, ये साफ़ सुथरा है, आसान तरीका है, बार बार नहीं उठाएंगे।
और इस थाली में हम जो अंगूरी रसगुल्ला बनाएंगे उसको गोलिया के रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका छोटा छोटा गोली कर लेते हैं। गोली इस प्रकार से लेंगे हम हाथ में और इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और छोटा छोटा गोली तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम, अगर छेना का वजन, हाँ अगर छेना का वजन जानना चाहते हैं तो आप छेना का वजन भी तौल लेंगे। लगभग ये 100-125 ग्राम छेना होगा, 100-125 ग्राम के अंदाज ये हमारा छेना तैयार होता है। ये हमारा चाशनी खोल रहा है और हलवाई का जो ट्रिक है, तो हम 2-4 रसगुल्ला का गोटी काट के रखे हैं जो, तो हमारा ये हमारा परफेक्ट है कि नहीं, तो इसको इस तरह से हम गोलिया लेंगे और गोलियाने के बाद इस चाशनी में हम डाल देंगे। चाशनी मोटा या पतला है, परफेक्ट है या नहीं ये पता चल जाएगा। और तो थोड़ा सा गैस बढ़ा लेंगे, 2 मिनट देख लेंगे उसके बाद, नहीं होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी, और ये झाग के अंदर रसगुल्ला डूबा नहीं रहा तो इसमें झाग बनाने के लिए हम इसमें जो छेना का पानी दूध वाला रखें वो डालेंगे और किस प्रकार से झाग आता है वो आपको भी दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा रस तो परफेक्ट है, लेकिन हमारे जितना बड़ा गोटी डाले उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन रस परफेक्ट है, ये रसगुल्ला झाँपा नहीं। तो रसगुल्ला झाँपने के लिए देखिए ये जो खोल रहा है झाग के अंदर, लेकिन इसको अंदर रहना चाहिए, चाशनी के बाहर दिखना नहीं चाहिए। तो उस बीच हम इसमें करेंगे क्या, ये हमारा दूध वाला जो छेना पानी था, जो छेना छाने थे उसको लास्ट पोर्शन वाला गाढ़ा दूध वाला, वो पानी डालने के बाद इसमें देखिए कैसा झाग आ जाएगा। ये ठंडा गया है, अब जब खोलेगा तो इसका झाग देखिएगा आप। झाग पानी डालने से क्यों आता है, तो पानी में दूध का अंश और घी का अंश दोनों रहता है इस कारण से। तो ये हमारा सारा गोला तैयार हो गया है, ये अंगूरी रसगुल्ला का गोला तैयार हो गया। अब इस चाशनी में हम उबलता हुआ चाशनी में सारा को डाल देंगे इस प्रकार से, देखते हैं जो कष्ट नहीं आराम से गिर जाता है। तो इसीलिए इसी तरह से आप लोग भी बर्तन में गोलिया कर रखिए और टेढ़ा करके हल्का हाथ से पुश कीजिए, सारा गिर जाएगा। तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम और इसको लगभग 1 मिनट तक सिझने देंगे, उसके बाद थोड़ा चाशनी गाढ़ा होगा तो बारी बारी जैसे हम पानी दे करके और भी मिठाई में बताएं, तो बस उसी प्रकार छोटा रहिए बड़ा रहे उसी प्रकार सब में फंक्शन है। तो इसको पहले 1 मिनट तक खोलने देते हैं, उसके बाद से हम चलाएंगे। ये बस इसी तरह से ढका हुआ रहना चाहिए, वो उस पानी का कमाल ये झप रसगुल्ला नज़र नहीं, केवल चाशनी ही नज़र आना चाहिए। तो आप लोग को फीलिंग आता होगा कि चाशनी के अंदर है तो कहीं मेरा छेना पूरा भसिया तो नहीं गया, वैसा कोई बात नहीं, जो हम 2 पीस नमूना दिखाए थे उसका उदाहरण है। तो लगभग हमारा 1 मिनट समय हो चुका है और इस तरह से हम पहले मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद आपको पता चलेगा कि चाशनी हमारा गाढ़ा कैसे हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हम चाशनी उठाते हैं, तो चाशनी का ये बूंद देखते हैं, धार होने के बाद ये बूंद देखते हैं, तो बूंद देखते हैं कैसे लगता है, रुक रुक के गिरता है, तो मतलब ये चाशनी हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल इसमें पानी नहीं देंगे, 1 मिनट और खोलने देते हैं। और ये हमारा रसगुल्ला का अंगूर का साइज़ देखिए, तो एक साइज़ नहीं होता, एक कारण नहीं होने का है कि छोटा बड़ा 19-20 हाथ से मशीन से तो काटते नहीं हैं, तो छोटा बड़ा जैसे अंगूर भी छोटा बड़ा रहता है उस कारण से। ये हमारा अंगूरी रसगुल्ला आपका, और ये मिठाई शादी के समय जिस समय जयमाला होता है लड़का लड़की का स्टेज पे आता है उस समय ये मिठाई बहुत फेमस है। इसको मिनी मिठाई भी कहा जाता है, अंगूरी मिठाई भी कह सकते हैं, जो नाम दे सकते हैं आप अपने अनुसार। तो अब हम लगभग ये 1.5 से 2 मिनट हो चुका है और ये हमारा रस बहुत गाढ़ा हो चुका है, तो ये हमारा सीझेगा नहीं, रस गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो ये हमारा चिपटा हो जाएगा, तो इसको हमको पतला करना है। तो इस कारण से हम इसमें एक डब्बू पानी लेंगे और थोड़ा देर इसमें इस तरह से हम चाशनी लेंगे और धीरे धीरे हम इसको गिराएंगे और इस तरह से हम फिर इसको चला लेंगे। सो ये 3 से 4 बार इसमें इसी प्रकार से पानी लेंगे और डालेंगे। ये लगभग हमारा समय 10 मिनट हो चुका है और देख सकते हैं ये हमारा मिठाई सीझ चुका है। तो आपको कैसे पता चला कि सीझ चुका है, तो देखिए ये हमारा ये चाशनी में है, नीचे बैठ गया और इसको चाशनी निकाल देते हैं। नॉर्मल ठंडा पानी हम डालते हैं, ये पानी में बैठ गया और टेढ़ा बोकचा नहीं हुआ, मतलब चुटका नहीं है, तो इस कारण से ये हमारा मिठाई, अगर मिठाई नहीं सीझेगा तो ये पूरा पार्ट ऊपर रहेगा मिठाई का। इसमें हम चाशनी बहुत गाढ़ा हो चुका है, इस डब्बू से इस तरह से हम 1-2 डब्बू पानी पिला देंगे और मिठाई को हम बंद कर देंगे। ये फिलहाल 1 डब्बू दे दिए हैं, ये हमारा 2 डब्बू। तो इस तरह से हम
गैस बता के थोड़ा सा इसका गैस निकाल लेंगे और तुरंत छोड़ नहीं देंगे। छोड़ देने के बजाय होगा क्या, ये रसगुल्ला एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है तो फिर दाग हो जाएगा, मतलब कहीं कहीं चुटका हुआ दाग नहीं रहता है नींबू के तरह, तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे तो यार इसका गोलैया बरकरार रहेगा। तो लगभग 1-2 मिनट तक इस तरह से हम चलाते रहेंगे, इसका गर्मी भी निकल जाएगा और हमारा मीठा भी परफेक्ट तैयार होगा। तो उस बीच इसको खाली करेंगे तो उसमें क्या डालेंगे, जैसे ये अभी थोड़ा सा लालपन है, इसको वाइटनेस चाहिए, तो वाइटनेस के लिए भी कोई बड़का चीज़ नहीं है आपके लिए, हम बताते हैं वाइटनेस किस प्रकार से होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स्ट्रा गर्मी ठंडा गया और हमारा ये अंगूरी रसगुल्ला गोल भी है और इसी से थोड़ा सा चाशनी निकाल कर हम एक्स्ट्रा किए हैं इसको वाइटनेस के लिए। तो ये हमारा मार्केट में अवेलेबल होता है, दुकानदार यूज़ करता है, तो इसको थोड़ा सा मात्र कम मात्रा में है तो इसमें हम एक चुटकी इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम मार्केट में आराम से जाइएगा, बोलिएगा हेड्रो दीजिए। तो ये देख सकते हैं इस चाशनी में हम डालेंगे, उसी में से थोड़ा सा चाशनी निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, जैसे एक डब्बू पानी डालें और ये सारा मिठाई हम निकाल के इसमें डाल देंगे, इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से डाल देंगे। इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे हम और जैसे जैसे ठंडा आएगा वैसे वैसे इसमें वाइटनेस तैयार रहेगा। ये हम सारा मिठाई निकालनी है, एक्स्ट्रा चाशनी जो कढ़ाई में रह गया हमारा, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हिलाते रहेंगे जो हमारा जब तक जो ठंडा होगा और इसका गोलैया बरकरार रहेगा, तो इसको ठंडा होने तक इंतज़ार कर लेते हैं। ये हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, अब इसको हम चाशनी निकाल लेते हैं। तो एक बर्तन में इसको छान देते हैं हम आराम से। तो ये हमारा थोड़ा सा एक बर्तन में छान के रख दिए हैं, रस अच्छी तरह से चुने देते हैं तो इसके फिर सर्व करेंगे हम। आप इसको अगर रसगुल्ला इसी को मिनी छोटा रसगुल्ला बनाना चाहते हैं तो इसको भी पानी में गर्म पानी में थोड़ा सा डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये मिठाई आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हम कोकोनट पाउडर डाल देंगे आप देख सकते हैं इसका स्पंजिंग, ये आराम से